तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम सिंपली क्या करेंगे कि इसकी मदद से हम लोग एक गन बनाएंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया है, एक मैंने यहाँ पे छेद किया है और इसके एक यहाँ पे किया है और एक मैंने पेन को काट के यहाँ के ऊपर से इसे फिट कर दिया है। तो ये इस तरीके से लग जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर ग्लू गन लगा देता हूँ। दोस्तों आप लोग इस लाइटर को देख सकते हैं। अब मैं इस थंब पिन को इसकी मदद से इसे जोड़ दूंगा। इसके वायर को मैं इसमें इसे जोड़ देता हूँ। तो हाँ, ये जुड़ चुका है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा था जो हमने छेद बनाया था, हम इसके अंदर लाइटर का एक टर्मिनल यहाँ पे लगा देंगे। तो दूसरा है इसको, हम इसके बाजू में से, आप लोग इसे देख सकते हैं कि बाजू में से ऐसे लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग दिख गया होगा कि मैंने बाजू में लगा दिया है। तो अब मैंने इसमें ग्लू गन लगा दिया और चेक सील कर दिया, इससे कहीं से भी एयर ना निकले। और अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और अब आप लोग ये देखिए पुराना वाला भाग जिसे हमने चिपकाया था। तो जल्दी से बिना टाइम करे हमारा सारा काम हो चुका है, हम इसे असेंबल कर लेते हैं। जल्दी से उसे असेंबल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, ये है, आपको लग रहा होगा कि पानी निकल गया है। दोस्तों ये रही हमारी डिब्बी। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इसे पहले खोल लेंगे, बाकी जो काट के नीचे रख देंगे ये वाले, और इसको हम उठाएंगे। और ये जो हमारी एसीटोन की डिब्बी है इसे हम खोल लेंगे। और इसमें हम लोग 2 से 3 ड्रॉप तक एसीटोन डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने निकाला 2-3, एक और डाल देते 4। तो हम लोगों ने डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा हिलाएंगे जिससे ये उड़ना शुरू हो जाए, यानी कि वेपर निकलने लग जाए। तो हम इसे थोड़ा फूंक भी मार देते हैं। तो हाँ, मेरे ख्याल से इतना लगभग सही हो गया है। तो हम इसे बंद कर देंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, ये कॉटन आप लोग देख सकते हैं, इस कॉटन को हम लोग इसके टिप पे लगाएंगे। और ये जो आप लोग देख सकते हैं टेस्टर की मदद से हम इसे ऐसे अंदर कर देंगे। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए। और जल्दी से बना पाने के लिए इसको आप देखते हैं। चलते तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता कैसे है। तो आप लोग इसके अंदर ये दोनों टर्मिनल देख सकते हैं। जब इन दोनों के बीच में स्पार्क क्रिएट होता है, तो जब ये वेपर में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो इसके अंदर एक कम्बशन होता है। जैसे ही कम्बशन होता है और बहुत सारी क्या कहते हैं एनर्जी निकलती है, तो वह एनर्जी रुई को बाहर निकाल देती है। तो मैं आपको एक बार इसे खोल के करके दिखाता हूँ, देखिए। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे बाहर निकली गैस सारी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये गन पसंद आई।